ईडी ने सोमवार को रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम के करीबी सहयोगी से भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी बरामद और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। यूनाइटेड एजेंसी ने कुछ योजनाओं के लागू करने में स्पष्ट अस्थिरताएं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य इंजीनियर वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि वे जब्त की गई नकदी की सटीक राशि ठीक करने के लिए उनकी गिनती कर रहे हैं, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं, जिनका अनुमान 20 से 30 करोड़ के बीच है। पीटीआई ने बताया कि अधिकांश नकदी 500 कीमत है और अधिकारियों के इनके साथ कुछ आभूषण भी बरामद किए हैं। 70 वर्षीय आलम एक प्रमुख कांग्रेस नेता हैं, जो झारखंड विधानसभा में पाकुड़ चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें, वीडियो फुटेज में एक कमरे में नोटों की गड्डियां फैली हुई दिखाई दे रही हैं, जो कथित तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू सहायक का बताया जा रहा है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में।